जिला प्रशासन की ओर से एक राहत कार्य किया गया, जिसके चलते उन्होंने पठानकोट चारों थानों में शिकायतों के समाधान के लिए कैंप लगाए। यहां पर दोनों पक्षों को बुलाकर उन्होंने सहमति से इन शिकायतों का समाधान किया, जिससे लोगों को राहत भी हुई और लोगों ने इस प्रयास को उचित भी कहा, जिसके चलते DSP राजेंद्र मन्हास ने कहा है कि लोगों को राहत देना और लोगों को सहयोग देना ही पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है। देखो SSP साहब ने कहन मुताबक उन्होंने हुक्मों मुताबक जेडे ये दरखास्तों डिस्पोज करन दे जिहड़ा कैंप लगाया गया हर सब डिविजन लैवल से ये कैंप लग रहा। सो इसका मकसद यह है कि बहुत सारिया दरखास्त कई बार पेंडिंग रहिंदियां हुण एक जगह जो कैंप लगेगा उत्थे DSP सुबान SP सुबान मौके पर होंदे है तो SHO भी उत्थे ना तो जो बनती कार्रवाई है वो आप मौके पर ही जरा निपटाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के राजीनामे करा के जो कराने वाला है वो राजीनामा करवाया जाए जिहड़ा च कोई लीगल एक्शन लैन वाला उत्ते लीगल एक्शन लिया के ताकि लोगों जो भी इंसाफ है जल्दी तो जल्दी मिल सके। फिलहाल जो उनका कैंप लगा होने तो करीब 30 दरखास्त डिस्पोज ऑफ करती हैं आप काफ़ी पार्टियां टाइम दिता हो जिन्हें भी आने उन्होंने आप मैक्सीम जरा अज डिस्पोज ऑफ करा और फ्यूचर से भी इस तरह जारी रहेगा ताकि पब्लिक नू मैक्सिमम जल्दी तो जल्दी जरा रेमेडी मिल सके। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के YouTube चैनल Facebook पेज को लाइक कीजिए, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।